हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे वी किचन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भिंडी की बिना मसाले की तड़कन वाली सब्जी। भिंडी की बिना मसाले की तड़कन वाली सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और ये रेसिपी मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट करी है कि हम बिना मसाले की तड़कन वाली सब्जी भिंडी की बनाए, और वो भी मतलब ऐसी कि जब ये सब्जी भिंडी की हम तड़कन वाली बनाएं तो इसका कलर डल ना हो, क्योंकि आमतौर पर भिंडी की सब्जी बनाते हैं तो उसका कलर जो है वो डल हो जाता है, यानी फीका सा हो जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि भिंडी की तड़कन वाली सब्जी बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारा भिंडी का कलर ऐसा ग्रीन का ग्रीन ही रहे। तो आइए हम देखते हैं कि भिंडी की तड़कन वाली सब्जी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहले हमने ये 250 ग्राम भिंडी ली है और इसे हमने धोकर अच्छे से सुखा लिया है कपड़े से पूछ कर। फिर यहाँ पर हमें 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल चाहिए। अगर आप सरसों का तेल नहीं यूज करते, रिफाइंड यूज करते हैं, तो आप रिफाइंड में बना सकते हैं, और अगर सरसों का तेल यूज करते हैं तो आप सरसों के तेल में बनाइए। फिर हमने एक यहाँ पर मीडियम साइज का प्याज लिया है और इसे भी हमने बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज ना डालें। फिर हमें यहाँ पर चाहिए 1/2 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून साबुत जीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार, और यहाँ पर हमने ली हैं 10 से 12 हरी मिर्चें, और जिन्हें हमने बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है। हरी मिर्च आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। अगर आपको तीखी चटपटी सी भिंडी अच्छी लगती है तो आप ज्यादा डालिए, और अगर कम तीखा खाते हैं तो आप कम डालिए। तो आइए हम बनाते हैं भिंडी की तड़कन वाली सब्जी। तो भिंडी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर भिंडी ली और इसको हमने साफ कर लिया है धोकर, और अब हम ये ऊपर से इसका टिप काट के और इस तरह से गोल गोल टुकड़ों में अपनी सारी भिंडी काट लेंगे इसी तरह से। ये देखिए, हमने सारी भिंडी अपनी काट ली है और अब हम इसकी सब्जी बनाएंगे। सबसे पहले हम गैस जलाएंगे और हमने यहाँ पर एक लोहे की कढ़ाई ली है और कढ़ाई में हम 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो जाए। ये देखिए, तेल हमारा गर्म हो गया है और अब हम इसमें सबसे पहले हींग डालेंगे, जीरा हमारा भून जाएगा। देखिए, जीरा भून गया है, फूल गया है। अब हम इसमें ये प्याज डाल देंगे और चला लेंगे। प्याज को हल्का सा हम भून लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है हमें। ये देखिए, प्याज हमारा भून गया है, ट्रांसपेरेंट हो गया है, और अब हम इसमें ये हल्दी डाल देंगे। हल्दी डालने से भिंडी का कलर जो है वो ग्रीन का ग्रीन ही रहेगा, वो कलर चेंज नहीं होगा। और अब हम इसमें ये भिंडी डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे और नमक डाल देंगे, और गैस की आंच हम तेज ही रखेंगे, गैस की आंच हम कम नहीं करेंगे, और इसे हम अच्छे से चला लेंगे, और चलाने के बाद 1 मिनट के लिए ढक देंगे। ये देखिए, हम बीच में एक बार खोल कर भिंडी को चला लेंगे। देखिए कलर कितना सुंदर है, इसका कलर सब्जी बनने तक में ऐसा ही रहेगा। ये 1 मिनट ढकने के बाद हम इसको थोड़ा सा चला लेते हैं, और अभी हम इसे 5 से 10 सेकंड के लिए और ढक देंगे, क्योंकि भिंडी हमारी बहुत जल्दी पक जाती है, इसलिए हम इसे बहुत देर तक के लिए नहीं ढकेंगे। 10 सेकंड बाद फिर हम खोल के देख रहे हैं। ये देखिए, भिंडी हमारी बिल्कुल पक चुकी है। ये देखिए, अब इसमें थोड़ा सा, क्योंकि इसमें लसलसा पन है, इसलिए हम इसे खोल कर ही भून लेंगे, ढकेंगे नहीं। अब हम इसे खोल कर भून लेंगे। तो ये देखिए, भिंडी हमारी भून भी गई है, अब इसमें बिल्कुल भी लसलसा पन नहीं है, और हमारी ये भिंडी पककर तैयार हो गई। और आप देखिए, ये भिंडी का कलर ग्रीन का ग्रीन है, और दूसरी बात, ये भिंडी बिल्कुल भी, एक भी भिंडी टूटी नहीं है। और तीसरा, हमने इसको लोहे की कढ़ाई में बनाया है, लोहे की कढ़ाई में सब्जी बहुत अच्छी भुन जाती है। तो ये भिंडी हमारी तैयार हो गई,
और आइए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए भिंडी की तड़कन वाली सब्जी, बिना मसाले की सब्जी तैयार है। आप इसे रोटी चपाती पराठी के साथ में, बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। और देखिए इस भिंडी का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, ग्रीन की ग्रीन ही है और इसके जो पोषक तत्व है वो भी नष्ट नहीं हुए, क्योंकि हमने इसे बहुत ज्यादा देर तक के लिए पकाया नहीं और खाने में भी ये कच्ची नहीं होगी, पकी हुई होगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए और कमेंट्स करिएगा और अपने फ्रेंड्स को फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करिएगा। और इसी तरह की और रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।